हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो के सैलरी के बारे में कि आफ्टर सेवन पे कमीशन के बाद सैलरी कितनी आपकी इन हैंड आएगी, और इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपकी जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है, अलाउंस है, जो भी आप प्रमोशन होते हैं, या स्टेनो जॉब अच्छी क्यों मानी जाती है आज के टाइम पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये जॉब एसएससी सीजीएल से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक है, बहुत सारे बंदे जो है सीजीएल की जगह इसकी भी प्रिपरेशन करने लगे। अब वो इसका जो रीज़न है वो क्या है, वो इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करता है। जैसे कि इस बार का जो फॉर्म था 22 अक्टूबर को स्टार्ट हो गया था और 19 नवंबर को ये ख़त्म हो गया था, और एग्ज़ाम डेट जो इसकी है वह 5 से 7 मई में होगी। ठीक है, अब इसके बाद स्टेनोग्राफर, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके दो स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में हमारा रिटर्न होता है, जो कि हमारा 200 मार्क्स का होता है। उसके बाद हमारा स्टेनो टेस्ट होता है, यानी स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद जो भी आपका क्वालिफिकेशन, जो भी आपके मार्क्स आएंगे रिटर्न में, उसके लिए दो कैटेगरी बनती है, दो कट ऑफ निकलती है, ग्रेड सी के लिए और एक ग्रेड डी के लिए, यानी ग्रेड सी और ग्रेड डी। ठीक है, तो ग्रेड सी में आपको कितनी सैलरी मिलती है और ग्रेड डी में कितनी सैलरी मिलती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्रेड सी में जो स्टेनो है वो 100 वर्ड पर मिनट मांगता है, और ग्रेड डी में 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो इसकी सैलरी जो है सेवन पे के बाद जो न्यू अभी नई सैलरी जो बनी है वो 22% से 24% बढ़ गई है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, 22% से 24% सैलरी बढ़ चुकी है। और सैलरी की बात करें ग्रेड सी में, तो हमारी जो बेसिक सैलरी है इसमें ग्रेड सी में भी दो ग्रेड पे होते हैं, 4200 और 4600, यानी ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रुप ए, फिर एक ग्रुप बी की, यानी सेकंड नंबर की सबसे बड़ी पोस्ट है एसएससी स्टेनो वाली है। ठीक है, सैलरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 4200 से 4600 ग्रेड पे होता है। तो इसका बेसिक पे होता है 44,900 रुपये। इसके अलावा इसमें जो भी अलाउंस मिलता है हमारा एचआरए, यानी होम रेंट अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, डीए यानी डेली अलाउंस मिलता है, और डेली अलाउंस हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस के उस पर मिलता है। ठीक है, जितने दूर हम ट्रैवल करते हैं या जहाँ से हम, उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें अलाउंस मिलता है। उसके अलावा और भी अलाउंस मिलते हैं, उन्होंने यहाँ पे दिखाई नहीं है। तो टोटल अगर हम इन सभी अलाउंस को हटा दें, यानी अलाउंस को ऐड नहीं करना है, ऐड करेंगे तो काफ़ी इससे ज़्यादा सैलरी, अगर हटा देते हैं ये सभी अलाउंस हमारे हट के बताएं हम, तो सैलरी हमारी जो इनहैंड आती है वो आती है 57,300 रुपये। ठीक है, 57,300 इनहैंड आती है, यानी अगर हम अलाउंस को ऐड करें तो हमारी सैलरी जो है 60,000 के ऊपर जाएगी, यानी 65-63,000 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, 65,000 तक, तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी है, वो भी ग्रेड सी में, वो भी 12th पास जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से स्टेनो में। ठीक है, अब ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी भी अच्छी है सैलरी की। अगर बात करते हैं ग्रेड डी में, तो ग्रेड डी की अगर सैलरी की बात करें तो 2400 इसका ग्रेड पे है, और इसकी जो बेसिक सैलरी बेसिक पे है वो है 25,500, लेकिन इसमें अलाउंस अलाउंस वो सब मिल के उसके बाद हमारा काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तो अगर अलाउंस को हटा दे तो उसके बाद जो सैलरी इन हैंड जो अब मिलेगी वो मिलेगी 34,500 ग्रेड डी में। ठीक है, बाकी एक्स सिटीज़, वाई सिटी और जेड सिटी, जैसे एक्स सिटी के अंदर दिल्ली, ये बड़े शहर आ गए, फिर वाई, फिर जेड सिटी, उसके अकॉर्डिंग 2-3 हज़ार में अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रेड सी वाले को मिलेंगे 57,300 इन हैंड, लेकिन आप ज़्यादा मिल सकते हैं क्योंकि आप, और ग्रेड डी वाले को मिलेंगे 34,500 रुपये इन हैंड। ठीक है, काफ़ी अच्छी सैलरी है 12th के हिसाब से अगर देखें हम। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट जो है अब स्टेनो की तैयारी करने लग गए हैं। स्किल टेस्ट के लिए काफ़ी टाइम मिलता है एग्ज़ाम के बाद, और एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी टाइम मिलता है। ठीक है, तो आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। और अगर हम बात करें इसके अलाउंस की, जैसे TA है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, DA होता है, डेयर अलाउंस होता है, और एक DA और था जो कि डेली अलाउंस होता है, और हाउस रेंट अलाउंस होता है। ठीक है, तो इसके बाद अब बात करते हैं इसकी जो प्रमोशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन काफ़ी जल्दी होता है, जैसे कि बोल रहा है कि एसएससी स्टेनोग्राफर्स हैव ग्रेट पॉसिबिलिटी फॉर ग्रोथ इन दिस स्टेनोग्राफी जॉब। प्रमोशंस आर गिवन वंस एन एम्प्लॉय हैज़ वर्क फॉर सम ईयर्स इन अ पोस्ट। ठीक है, अब प्रमोशन भी है हायर पोस्ट। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि पर्सुअर्ड कैंडिडेट कैन इवन अप्लाई फॉर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स एंड गेट प्रमोटेड क्विकली टू हायर पोस्ट, यानी डिपार्टमेंटल एग्जाम आपके होंगे, अगर आपने उन्हें क्वालिफाई कर दिया तो आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और एडवांटेज की बात करें स्टेनोग्राफर की, तो इसकी एडवांटेज ये है, तो एसएससी स्टेनोग्राफर कैन गेट टू वर्क विद वेरियस मिनिस्टर ऑफिसेस
ऑफिसर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड, तो उनको मौका मिलेगा बहुत से मिनिस्टर्स के साथ या ऑफिसर्स के साथ काम करने का। उसके बाद एसएससी स्टेनोग्राफर वर्क विद डिफरेंट ऑफिसर्स, दे कैन लर्न डिफरेंट थिंग्स रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स, और उन्हें डिफरेंट ऑफिसर्स के साथ काम करने को वो उन्हें बताएंगे कि जो भी उनके पास उन्हें बहुत उनसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट वर्क्स, ठीक है, पार्ट, ये इम्पॉर्टेंट वर्क का एक पार्ट होता है स्टेनोग्राफर, तो काफ़ी एडवांटेज है। हाउस एंड अनाउंट आपको मिलता है एक्स वाई जेड सिटी के अकॉर्डिंग, तो 24% आपका बेसिक पे है उसका, 24% आपको क्या मिलता है, हाउस एंड अलाउंट मिलता है, और वाई सिटी में 16% मिलता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है। और एसएससी स्टेनोग्राफर जो सी है, उनकी पोस्टिंग कैसे कैसे होती है, तो उनको जो पोस्ट मिलेगी वो प्रेसिडेंट्स सेक्रेटरी भी मिल सकती है, इंडियन फॉरेन सर्विस में भी मिल सकता है, इलेक्शन कमीशन और इंडिया मिल सकता है, हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्म फोर्सेस में मिलेगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और अदर गवर्नमेंट ऑफिशन डिपार्टमेंट में। तो काफ़ी डिपार्टमेंट सभी बढ़िया हैं, किसी में भी आपको परमिट आपकी जॉब लगती है तो बहुत अच्छा है। और ग्रुप डी की बात करें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, अदर गवर्नमेंट्स ऑफिसर्स एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है, बहुत ही अच्छी जॉब है एसएससी स्टेनो की। और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और सैलरी के बेस पे भी आप देखें या डिपार्टमेंट के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी अच्छी जॉब है। और इस बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको रिटर्न से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, और जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं आपको, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट मुझे कर दीजिए और ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और वीडियो देखिए आपने, इसके लिए आपका धन्यवाद।